हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, आप लोग यूनिट एंड आप लोग चाहें तो आप अपना क्लास नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्लास नोट्स भी बना सकते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। किताब में तो डेफिनेशन लिखा ही होता है, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि हम फिजिक्स ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको फील हो जाएगा, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, फिजिक्स में एकदम डूब जाइएगा। क्योंकि जब तक आप फिजिक्स से प्यार नहीं करोगे ना, फिजिक्स के जब तक नजदीक नहीं जाओगे ना, आप उस तरह से जब तक नहीं सोचोगे फिजिक्स को कि जैसे कैसे सोचा, डेवलपमेंट करने वाला फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिजिक्स का जो डेवलपमेंट किया उसने किस तरह से डेवलपमेंट किया, वो क्या क्या सोचा, जब तक आप उसकी थिंकिंग पे नहीं जाओगे आपको फिजिक्स बहुत समझ में आएगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सुनते होंगे न्यूटन, न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनको एक सेब गिरते हुए दिखाई दिया, तो उन्होंने लॉ दे दिया। क्या सेब गिरते हुए न्यूटन के पहले लोगों ने नहीं देखा था? देखा था। न्यूटन के पहले भी बहुत ऐसे इंसान थे जो पेड़ से सेब गिरते, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उससे पहले उसी समय गैलीलियो, गैलीलियो ने बहुत एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, तो गैलीलियो ने जब एक्सपेरिमेंट दिया उस समय वॉच का आविष्कार, घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन विदाउट घड़ी के उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन दे दिया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। सोचिए थोड़ा कैसे दे दिया, विदाउट दिस वो कैलकुलेट कर लेते थे कि बॉडी को यू स्पीड से फेंकोगे तो कितने समय के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो। तो वो लोग क्या करते थे, फिजिक्स से प्यार करते थे, फिजिक्स को फील करते थे, वो विजुअलाइज करते थे, चीजों को समझते थे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉज। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉज। फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचुरल फेनोमेना और उसके लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। ये तो बुक में डेफिनेशन आपको मिलेगा ही, लिखा रहता है कि नेचुरल फेनोमेना। अभी जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, दैट इज साइंस, नेचुरल फेनोमेना। आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे भी फिजिक्स है। मैंने लास्ट वीडियो में अपना एग्जांपल दिया था कि सोप बबल, जब आप उसको फूंकते हो सोप बबल को, तो वो स्फेरिकल होता है, फिजिक्स है। रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप, वो थोड़ा सा उसका शेप बदल जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, फिजिक्स है। रेनबो का फॉर्मेशन, फिजिक्स है। हर जगह फिजिक्स है। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉ, और उसके लॉ के बारे में, एक वेल डिफाइंड लॉ है और उसके अनुसार हम लोग सारा चीज स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो जो फिजिक्स का डेवलपमेंट होता होना शुरू हुआ, तो पहले जैसे हम लोग क्लास 11 में मैकेनिक्स के स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद उसका डेवलपमेंट चला गया, उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, थर्मोडाइनमिक्स हीट वगैरह के बारे में पढ़े। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़े, जिसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, हम लोग साउंड वगैरह बारे में, वेव के बारे में पढ़े, एक्वेस्टिक्स होता है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी किए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होते गया, फिजिक्स ऐसा नहीं कि एक जगह रुका, लोग उसका डेवलपमेंट आगे बढ़ते गया। तो आप भी इसी तरह से फील करके पढ़ो कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तब आपको जाके फिजिक्स काफी आसान लगेगा, बहुत आसान, बहुत ही सुंदर सा ये सब्जेक्ट है। लेकिन इसको इतना ना लेडी लोग बना बैठे हैं, एकदम क्लासिकल तरीका से पढ़ पढ़ के दिमाग को कचरा बना दिया। इसको फील करो, एकदम विजुअलाइज करो, इसको देखो, एकदम इसको समझो, पेपर में घुसो एकदम, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉज। तो देर आर लॉट्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना, बहुत सब नेचुरल फेनोमेना हो रहा है जो कि हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें हमको पढ़ना क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। ध्यान दीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन होता क्या। तो फिजिक्स, उसके बाद इसके अंदर आता है आपका फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज
फिजिकल क्वांटिटी, समझिएगा थोड़ा सा, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, मैं PQC लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी को, बहुत बड़ा हो जाता है फिजिकल क्वांटिटी बार बार लिखना, जिसको कि मेजर कर सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट से, एंड बाय मींस ऑफ विच, एंड बाय मींस ऑफ विच, एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ फिजिक्स दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जिससे कि हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल आप समझिएगा, तो लेंथ, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ हम एग्जांपल ले देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, लेंथ, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। द सेकंड एग्जांपल इज योर मास, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। देन टाइम, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी न किसी किसी को आप मेजर कर सकते हैं, लेंथ, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। सपोज दैट ये 1 meter है, इसका एग्जांपल मैं 1 meter ले रहा हूं, तो आप मेजर कर सकते हो लेंथ को। मास, मास एक फिजिकल है, उसको आप मेजर कर सकते हो, उसके लिए मेजरमेंट है। टाइम, टाइम को आप मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर, इस तरह से बहुत सारा, ढेर सारा। फोर्स, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप सभी को क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कुछ ऐसे क्वांटिटी जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं, आप बोल सकते हो कि 5 kg हैप्पीनेस है, That is not a physical quantity, ठीक है। Happiness एक physical quantity, love, love is not a physical quantity, आप ऐसे नहीं बोल सकते love 5 meter, वो हमसे 5 meter प्यार करती है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो love is not a physical quantity, समझिएगा थोड़ा सा। तो physical quantity मतलब that can be measured by an instrument is known as physical quantity। यहाँ भी development होता है, हम बीच बीच में आपको ये भी समझाते जाएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो आप लोग बोर्ड के साथ साथ IIT जाइए और नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। 15 lakh, 10 lakh बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन बहुत कम लोगों का, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो हम समझाते बीच बीच में, आपको ये भी समझाएंगे अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कैसे आपको सिलेक्शन, आप कैसे उससे डिफरेंट होगे, तब आपको जाके सिलेक्शन होगा, आप जाके वहां पे टॉप 10,000 में आप अपना जगह बना पाओगे, समझिएगा थोड़ा सा। तो फिजिकल क्वांटिटी में बात कर रहा था, वैसे क्वांटिटीज जिसको कि आप मेजर कर सकते हो, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने कुछ एग्जांपल लिया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह का कुछ एग्जांपल्स है फिजिकल क्वांटिटीज के। अब फिजिकल क्वांटिटी को मेनली 3 types में डिवाइड किया गया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेनली अगर मेनली बात करें तो 2 तरह का टाइप्स होता है। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी, बेसिक। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे एक और तीसरा भी होता है, दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, इसका दूसरा नाम है बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे क्वांटिटीज भी आगे बढ़ते चला गया, जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट होता चला गया। तो देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कितने, 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं फंडामेंटल में। द फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करेंट, सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी and the 7th one is amount of substance। ये ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी 7 physical quantities हैं, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance, ये सब अलग अलग फील्ड से हैं। इसमें से जो first 3 है, length, mass, time,
ये तीनों आपका मैकेनिक्स में यूज होता है मेनली। ये तीनों आपका कहाँ यूज होता है? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स कहने का मतलब हम लोग इसका सब यूज करेंगे क्लास 11th में। टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पेपर है वहाँ पे हम लोग चैप्टर है वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देन आफ्टर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये लाइट से लिया गया है ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ना आपको मोल के बारे में, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? इसका मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाया आपको, आप चाहो तो लिख सकते हो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई मतलब नहीं एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, कोई मतलब नहीं। क्या लेंथ को मास से कोई मतलब है? नहीं। क्या मास को टाइम से कोई मतलब है? नहीं। हाँ, आप मल्टीप्लीकेशन करके एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरा फिजिकल को मल्टीप्लाई करके एक नया क्वांटिटी बनाया जाता है, बट इंडिपेंडेंटली देखिए को लेंथ को टाइम से कोई मतलब नहीं है। मास को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंडिपेंडेंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लेंथ, ये सारे क्वांटिटीज क्या है? इंडिपेंडेंट है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से मिल के बने, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल के बनता है उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिल के बनते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके आप उसको डिवीजन करके इस तरह से बना सकते हैं, उसको बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके एक नया क्वांटिटी का डेवलपमेंट होता है, दैट इज डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम एग्जाम्पल आपको लें, आप लोग सुने होंगे स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इन द सेंस लेंथ, तो लेंथ बाई टाइम। लेंथ ध्यान दीजिएगा, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी से मिलकर एक नया क्वांटिटी बना स्पीड, ये कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है, आप ले सकते हो एग्जांपल एक्सीलरेशन ठीक है, या आप पहले देख लीजिए वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्लास 9th में पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है? लेंथ और अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से एक एक्सीलरेशन ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन एक क्वांटिटी होता है, एक्सीलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अभी मैंने बताया वेलोसिटी किससे मिलके बना, तो डिस्प्लेसमेंट से और टाइम से। तो ये भी जो चीज़ है एक्सेलरेशन में क्या क्या आता है? लेंथ आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी के अंदर क्या आएगा? लेंथ आएगा। तो मतलब एक्सेलरेशन भी किससे बना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना। आप और एग्जांपल देखोगे अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी का जो कि फंडामेंटल से मिलके बनता है, तो जैसे देखिएगा फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इक्वल टू फोर्स का मैथमेटिकल जो फॉर्म होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये आपका देखिए मास, चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या? वेलोसिटी मतलब क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक और टाइम पहले से मौजूद है। अब समझिए, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस लेंथ वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या बना हमारा? ये सब इन चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बना? फोर्स। तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड। इनके कोई, ये जैसे ही 7 होते हैं तो इनका कोई नंबर नहीं, आप इसको कितना भी आगे आप डेवलपमेंट और होते गया, फोर्स
देन आफ्टर वर्क, देन आफ्टर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी, देन टॉर्क, फिर आगे और बढ़ें तो चार्ज, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इस तरह के सारे फिजिकल क्वांटिटी का आगे डेवलपमेंट होते चला गया और उस तरह से हम लोग सबका यूनिट बनाना सीख लेंगे। तो जैसे जैसे फिजिक्स में आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे फिजिक्स में आप आगे बढ़ते जाएगा, आप सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना आप खुद से सीख जाओगे। आप स्टार्टिंग में नहीं सीख सकते क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे रेजिस्टेंस, आपको नहीं पता कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस आपको अभी नहीं पता कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। आप लोग क्लास टेंथ में भले रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे बट उतना उसका डायमेंशन वगैरह निकालने के लिए, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम सारे के फिजिकल सारे का यूनिट लिखना शुरू कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें दो चीज़ होता है, कितने चीज़ होते हैं, टू थिंग्स होते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें दो चीज़ होता है, कौन कौन होता है फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ है, एक होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इक्वल टू एन इंटू यू से, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स इक्वल टू एन इंटू यू। वॉट इज एक्स, एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिजिकल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। और एक नया चीज अभी हम बताएंगे, यू, यू किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्स इक्वल टू किससे होता है, एन इन टू यू से, जहाँ एक्स क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, एन आपका क्या है तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितना, जैसे आप लिखोगे लेंथ, लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, वॉट इज 10, 10 इज, वॉट इज 10, 10 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। वॉट इज मीटर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अभी हम यूनिट पे आ रहे हैं, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, तो हम धीरे धीरे यूनिट की तरफ एंटर करते जा रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, इसको जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन इसमें जानना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं जेई में, इससे भी क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को ही समझना है। बेसिक थ्योरी चाहे आप बोर्ड की तैयारी करो, चाहे आप नीट की तैयारी करो या आईआईटी, बेसिक थ्योरी तो सब में कॉमन होता है। फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क आएगा कि बोर्ड में थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होता है नीट में, और आईआईटी जेई में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यही फ़र्क आ जाता है यहाँ पे। तो इसी को आपको, आपको इन्हीं दोनों चीज़ में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना, अलग करना, यही आपको अलग करेगा एक कम्पिटिटिव स्टूडेंट को और एक तैयारी का बोर्ड वाले स्टूडेंट को, यही चीज़ अलग करता है। बेसिक नॉलेज तो दोनों को सेम पढ़ना है बट कम्पिटिटिव वाला क्या करता है, वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ज़्यादा पड़ता है। बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आईआईटी और नीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, जो भी अब होने लगा है, अब शुरू हो गया, रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होगा तो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, तो ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन, आपको तैयारी करना है। तो मैं एग्जाम्पल कर रहा था लेंथ, तो लेंथ क्या होता है, मान लीजिए लेंथ, लेंथ क्या, लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, 10 क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मीटर क्या है उसका यूनिट। आप कभी कभी लेंथ सुनते होंगे, लेंथ इक्वल टू, आप ये भी सुनते होंगे, लेंथ इक्वल टू 5 feet, 5 क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, फिट क्या है उसका यूनिट है। अलग अलग सिस्टम में, अभी हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में भी आगे बात करेंगे, आप समझिएगा, मास, मास, मास इक्वल टू आप लोग यूज करते हैं 10 किलोग्राम, 10 क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोग्राम क्या है उसका यूनिट, आप लोग सुने होंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है, लेंथ इज इक्वल फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू यू, वेयर एन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और यू होता है यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक नया चीज़ आप लोग सुने कि सर यूनिट क्या होता है, तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है दैट एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है, यूनिट एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट, ध्यान दीजिएगा, यूनिट क्या, व्हाट इज यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन होता है कि सर यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट एक स्टैंडर्ड है, अ स्टैंडर्ड दैट, अ स्टैंडर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है,
दैट इज यूनिट. जैसे आप बोलते हैं लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, फुट भी होता है, ठीक है. मास का यूनिट हम लोग ग्राम भी बोलते हैं, मास का यूनिट हम लोग किलोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है. उस तरह से हम लोग और भी चीज़ें, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस से भी एक्सप्रेस करते हैं, केल्विन से भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. फॉरन हाइट से भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. करेंट के लिए यूनिट हम लोग यूज करते हैं एम्पियर. तो ये सब यूनिट है, ठीक है. तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया. नहीं स्टैंडर्ड होता तो आप अलग डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं करते. आप लिखते एम इक्वल टू टू, तो टू क्या, मास टू क्या, केजी या ग्राम कुछ तो होगा ना. तो यूनिट क्या, यूनिट क्या होता है, उसका एक स्टैंडर्ड. अब इसका भी सिस्टम है. पहले क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते थे कि हम लेंथ का यूनिट फुट मानेंगे, कुछ लोग बोलते थे हम लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर मानेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम लेंथ का यूनिट मीटर मानेंगे. तो फुट मान लीजिए इतना बड़ा है, सपोज डेट एग्जाम्पल ले रहे हैं, मीटर इतना बड़ा है, मीटर इतना बड़ा, तो लोग रिलेट नहीं कर पाते थे. लोगों को प्रॉब्लम होता, अच्छा मीटर इतना बड़ा, फुट इतना ही बड़ा, सेंटीमीटर और छोटा हो सकता है या और बड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या हो सकता. वो आगे हम लोग देखेंगे, छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा नहीं पता. तो अलग अलग सिस्टम होता था, पहले लोग अलग मानते थे. तो उस तरह से अलग अलग सिस्टम आया, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे हम बात करें. तो यूनिट समझ में आया, अ स्टैंडर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं. अब यूनिट में भी क्या आया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यूनिट में क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या, देखिए जैसे जैसे बढ़ते गए लोग, पहले बोले ना मैंने कि पहले, अभी भी आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग बर्थडे में केक तो हर कोई खरीदते ही होंगे. केक का जो लेते हैं, कभी भी केक बोलता हो कितने पाउंड का केक चाहिए, सुने है ना, आप लोग बोलते हैं एक पाउंड का केक चाहिए, दो पाउंड का, कभी बोलते हैं, कभी ये बात नहीं होता कि किलोग्राम नहीं, ग्राम नहीं, वो मतलब उसका एक स्टैंडर्ड अलग बना लिया कि किलो, मतलब केक के लिए हम लोग पाउंड में ही मेजरमेंट करते हैं. ध्यान दीजिएगा, आप लोग मिल्क वगैरह खरीदते हैं, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इन्होंने सबसे पहला आता है FPS सिस्टम, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइएगा, और सेल्फ नोट होना चाहिए. सेल्फ नोट होगा तो आप बढ़िया रहेगा, आप जब भी रिविजन करोगे तो सेल्फ नोट का आपको बहुत फायदा मिलेगा. FPS सिस्टम, इस सिस्टम में, FPS सिस्टम में, इन दिस सिस्टम लेंथ का जो यूनिट रखा गया वो फुट रखा गया. इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज, मास का यूनिट हुआ आपका पाउंड, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. तो पहला सिस्टम था FPS. इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड, एंड टाइम का यूनिट क्या हुआ, तो सेकेंड हुआ. उसके बाद और देखिए कुछ और सिस्टम, सेकेंड वन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम. इस सिस्टम में क्या हुआ, द यूनिट ऑफ लेंथ इज, द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज, मास का यूनिट यहाँ पे क्या बताया गया, ग्राम बताया गया, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम का यूनिट यहाँ पे क्या बताया, सेकेंड बताया गया. तो ये दो सिस्टम पहले समझिए, द फर्स्ट वन इज FPS सिस्टम, CGS सिस्टम. FPS में लेंथ का फुट, मास का पाउंड, टाइम का सेकेंड. CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम, एंड टाइम का यूनिट, देखिए C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, एंड टाइम के लिए सेकेंड, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. तो ये दो सिस्टम मेनली होता है. उसके बाद एक और सिस्टम आया, दैट इज MKS सिस्टम. कौन सा सिस्टम, तो थर्ड सिस्टम आपका आया MKS सिस्टम. MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो तो लेंथ का यूनिट वहां पे मीटर, मास का यूनिट वहां पे किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड. यहां पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आता था, अब तो खैर 12th का बोर्ड हो गया, कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, किसका, किसी भी सिस्टम में यूनिट चेंज नहीं होता. देखिए टाइम का, यहाँ भी टाइम का सेकंड है, यहाँ भी टाइम का सेकंड है, यहाँ भी टाइम का सेकंड है, बट यहाँ लेंथ का फुट है, यहाँ लेंथ का सेंटीमीटर है, और यहाँ लेंथ का मीटर है, यहाँ मास का पाउंड है, यहाँ मास का ग्राम है, और यहाँ मास का किलोग्राम है. एक यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम आप यूनिट को कन्वर्ट कीजिए. आपको क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट, कन्वर्ट
10 फुट ठीक है इंटू सेंटीमीटर, इस तरह से आता है फुट टू सेंटीमीटर आपका उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया, फुट टू सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कन्वर्ट 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू MKS सिस्टम ऐसे होगा, या क्वेश्चन रहेगा कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू CJ सिस्टम, 5 न्यूटन को CJ सिस्टम में कितना कहते हैं क्या कहते हैं, तो एक सिस्टम से दूसरे न्यूटन कन्वर्जन करने का तरीका है वो हम आगे बताएंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 3 तरह का, द फर्स्ट वन इज FPS सिस्टम, सेकंड वन इज CJ सिस्टम एंड द थर्ड वन इज MKS सिस्टम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग लेंथ को फुट मानते थे लेंथ के यूनिट को, कुछ लोग सेंटीमीटर मानते थे, कुछ लोग लेंथ के यूनिट को मीटर मानते थे। अब आपस में ही लोगों में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, आपस में लोगों में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। तो 1971 में कॉन्फ्रेंस हुआ, 1971 में कॉन्फ्रेंस हुआ, 1971 में कॉन्फ्रेंस हुआ ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, वेट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और सोचा सब लोगों ने बैठा इंटरनेशनली लोगों ने, और इंटरनेशनली लोगों ने एक्सेप्ट किया, और उसका एक एक नया सिस्टम आया दैट इज SI सिस्टम ठीक है, SI सिस्टम जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था, बोला कि बाबू ये सबको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको मानिए। ये 1971 में कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर एक नया सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि लोगों में डिफरेंस हो रहा था, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, रिलेट ही नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा सोचा कि चल एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम बनाया जाए जो कि आपका ईजिली भी सबके लिए आसान हो, सबके लिए आसान और इनवेरिएबल हो और सबके लिए आसान ईजिली अवेलेबल हो। तो सब लोगों ने बैठ के इंटरनेशनली लोगों ने बैठ के एक सिस्टम डेवलप किया और उसको हम लोग नाम दिए SI सिस्टम। तो हम पहले बात करते हैं SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी FPQ, SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि आपको पता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है, आपको पता होना चाहिए, द फर्स्ट वन इज लेंथ, द सेकंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करेंट, सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, सेवंथ वन इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अब लेंथ का जो यूनिट हुआ SI यूनिट है वो आपका मीटर बताया गया, मीटर। मास का SI यूनिट क्या बताया गया, किलोग्राम। टाइम का SI यूनिट क्या बताया गया, सेकेंड SI में। टेम्परेचर के लिए क्या यूज किया गया, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज हुआ, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या यूज हुआ, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए क्या यूज हुआ, मोल। तो ये एक यूनिट दिया गया, दिस इज SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि 1971 में आपका इंटरनेशनली इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया गया, कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो इसके अनुसार इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के अनुसार हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का भी यूनिट बना सकते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का भी यूनिट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे SI यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मैंने बताया कि डेराइव्ड किससे बनता है, तो फंडामेंटल से ही मिलके तो डेराइव्ड क्वांटिटी बनते हैं। तो हम कुछ क्वांटिटीज आपको बताते हैं जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, कुछ क्वांटिटी आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, उसके बाद उसका मैं डेराइव्ड क्वांटिटी डेराइव्ड यूनिट लिखता हूँ ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप सब जानते हैं, मैं एक तरह समझ लीजिए कि आप लोग इसका रिवाइज कर रहे हो ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ। तो इसका क्या, मीटर। और टाइम देखिए तो क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड या MS-1।
स्पीड के लिए क्या यूज होता है, मीटर पर सेकंड या ms माइनस वन। सेकंड आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वही है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लास नाइन में भी पढ़ना है ये चीज, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। डिस्प्लेसमेंट भी क्या एक तरह का लेंथ, डेट इज मीटर अपॉन सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड या एम एस माइनस वन। सेकेंड वन इज वेलोसिटी। इस तरह से अगर आपको पता है क्वांटिटी के बारे में कि वो कैसे मिलकर बनता है, तो आप उसका यूनिट लिख सकते हो। यूनिट लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ये सात याद करना है, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल, अमाउंट ऑफ फोटॉन्स मोल। अब इसकी मदद से हम बना रहे हैं। स्पीड के लिए क्या यूज हुआ, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के लिए क्या, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड। एक अलग दोस्त, उसके बाद क्वांटिटी होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड। तो आप यहां से इसको बना सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एम एस माइनस टू। इसके बाद एक क्वांटिटी आता है, दैट इज फोर्स। बहुत लोग, आप लोग सुनते होंगे फोर्स, फोर्स का बहुत यूज करते हैं। क्लास नाइन में फोर्स के बारे में पढ़ना भी है, नाइन्थ में, ठीक है ना। फोर्स, फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हैं। फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म होता है एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, देखिए मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन कभी मैंने बनाया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि न्यूटन का बहुत यहाँ पे योगदान था, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उनका, उनको ऑनर भी तो देना, उनको रिस्पेक्ट भी तो देना न्यूटन को, तो हम लोग उसका ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं, न्यूटन यूज करते हैं। देन आफ्टर एक क्वांटिटी होता है, डेट इज वर्क। आप लोग वर्क के बारे में बहुत जानते हैं, क्लास नाइन में वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है चैप्टर, वर्क, वर्क के बारे में। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, फोर्स इक्वल टू फोर्स का लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू वट, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर, ठीक, आप यहाँ से अपॉन पर सेकेंड कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए आप यूज कर सकते हैं न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग यूज करते हैं, बता चुके हैं न्यूटन, और डेट इज न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर। इसके लिए यूज होता है हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग जूल। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, स्टैंडर्ड यूनिट याद रखिएगा, साइंटिस्ट के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देना है तो उनके नाम पे। फोर्स के लिए न्यूटन यूज हुआ है, और वर्क का क्या यूज हुआ, वर्क को हम लोग जूल ही बोलते हैं। इस तरह का एक फिजिकल क्वांटिटी डेट इज काइनेटिक एनर्जी, याद दीजिएगा थोड़ा सा, समझे। तो हम लोग कुछ डिराइव क्वांटिटी पढ़े, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ठीक है। देन आपको होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो एक नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं है, तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं क्या हम लोग, मीटर। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ध्यान दीजिएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो एनर्जी डेट इज जूल। अब कोई भी एनर्जी हो, एसआई यूनिट उसके लिए कहाँ यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं, ठीक है, जूल यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सबका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। सबका यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। ये नहीं कि अलग हो जाएगा, नहीं होगा अलग, अलग कैसे होगा, सब तो एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, या कोई और भी एनर्जी दूसरे फॉर्म में हो, ठीक है। देन आफ्टर होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, के बाद होता है आपका, मैं बता रहा हूँ, प्रेशर। एक क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। मैं बता चुका हूँ प्रेशर फोर्स बाय, आप लोग पढ़े भी हैं पहले, जानते भी होंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स के लिए यूज होता है न्यूटन, और मीटर का क्या होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब क्या, लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ, दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसके लिए यूज करते हैं हम लोग एक टर्म, दैट इज पास्कल, ठीक है, पास्कल यूज करते हैं, आप लोग सुने होंगे पास्कल,
यहाँ भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट के उनको ऑनर देने के लिए उसके यूनिट को बताया जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जूल हो गया, प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पास्कल यूज करते हैं। तो ये कुछ डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि मैकेनिक से मैंने लिया। उसके बाद एक होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं इलेक्ट्रिक करंट वगैरह देख लेता हूँ, ध्यान से समझना, चार्ज। चार्ज आप लोग जानते होंगे, करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। क्या करंट कैसा क्वांटिटी है, करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटी से मिलकर क्या बना, चार्ज। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो करंट का क्या होता है आपका, एम्पियर, करंट का एम्पियर। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, दैट इज व्हाट, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। कूलम भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, कूलम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज कूलम्स लॉ। तो इस तरह से हम डिराइव्ड क्वांटिटी का मैंने यूनिट लिखा, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी और भी, रेजिस्टेंस का यूनिट कैसे लिखते हैं, कैपेसिटेंस का यूनिट कैसे लिखते हैं, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो ये सब क्लास ट्वेल्थ में जानना है, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में हम लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन भी करता हूँ, फाइंड द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एफ क्या है, फोर्स। एम वन एम टू क्या है, मास। आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th में पढ़ेंगे तो और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे इसको। हमको इसका यूनिट लिखना है, तो जी इक्वल टू लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन वट, एम वन इंटू एम टू। एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। एफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर। एम वन इंटू क्या है, मास, किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, ये तो बाद में बात है, पहले हम यूनिट लिखते हैं। तो दिस इज यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एफ आर स्क्वायर अपॉन एफ जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की एम वन एम टू। एफ का न्यूटन, आर के लिए मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ, उसके बाद आज की क्लास को हम एंड करेंगे। फिर आगे हम लोग और भी, नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट पढ़ेंगे और डायमेंशन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है, बताता हूँ मैं, फाइंड the SI unit of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, बहुत ही important coefficient of viscosity होता है, जो कि पढ़ना है fluid में। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं जानना है coefficient, इतना नहीं जानना है, अभी जानना है कि बस unit कैसे लिखते हैं। तो unit लिखने के लिए आपको अगर formula पता है तो आप unit लिख लोगे, तो अभी फिलहाल हम formula पढ़ा देंगे। तो coefficient of viscosity के लिए formula ये होता है F equal to minus eta into A into dV upon dz, ये formula होता है F इक्वल टू, ठीक है, विस्कस फोर्स। जब एक फ्लूड दूसरे फ्लूड पे मूव करता है तो उसके, उसमें आपका क्या होता है, फ्रिक्शन आता है, ठीक है। हम लोग फ्रिक्शन सॉलिड सरफेस पे देखते हैं, बट फ्लूड्स लिक्विड सरफेसेस पे भी फ्रिक्शन होता है। तो वहां से F इक्वल टू माइनस ईटा इंटू ए इंटू डी वी अपॉन डी से, जहां F क्या होता है, वेयर F क्या होता है, फोर्स होता है, A क्या होता है, एरिया होता है, कितने एरिया में दोनों सरफेस है, डी वी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, डिजिट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिजिट क्या होता है, दो लेयर्स के बीच का वो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डी वी अपॉन डिजिट। हमको ईटा का लिखना है, तो ईटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एफ इंटू डिजिट अपॉन ए इंटू डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ईटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ईटा इक्वल टू एफ इंटू डिजिट अपॉन ए इंटू डी। एफ का क्या है, फोर्स, दैट इज
न्यूटन. डिजिट मतलब क्या? डिस्टेंस, दैट इज मीटर. एरिया का मतलब क्या? दैट इज मीटर स्क्वायर. डीवी मतलब क्या? वेलोसिटी. वेलोसिटी बोलिए चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, समझ में आ रहा? तो यहां से आप यूनिट बना सकते हैं, फोर्स का न्यूटन, डिजिट मतलब मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड. तो यहां से आप इसको और भी आप इसको कर सकते हैं. एक यहां से आपका मीटर क्यूब या एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए यहां से मीटर कैंसिल होगी, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. आप इसका यूनिट लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे.